हम पहुंच चुके हैं बहरी मार्केट में, जो सीधी मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है। हम चौराहे पे खड़े हुए हैं, जहां पर आपको अगर इलाहाबाद बनारस जाना है तो आपके लिए बाई रोड आपको ये पड़ेगा, आपको निकलना है आपको। और अगर आपको सिंगरौली निकलना है तो सिंगरौली के लिए आपको ये रूट पड़ेगा। अगर आपको सीधी निकलना है तो सीधी के लिए आपको ये रूट पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मैं बात करूँ दुकानें की, तो कुछ दुकानें मुझे यहाँ पर जो है साफ तौर पे बंद नज़र आ रही हैं कि दुकानें बंद है। लेकिन चहल पहल की अगर मैं बात करूँ तो चहल पहल आप मेरे कैमरे या विजुअल पर देख सकते हैं। जो चहल पहल अगर बात करें तो चहल पहल बनी हुई है। लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं। अनावश्यक घर से बाहर निकलने के बाद में उनका जो दिनचर्या होता है, अगर मैं दिनचर्या की बात करूं तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन लगा है और मुझे अनावश्यक घर से नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कोई तुक नहीं मिल रहा है। मेरे कैमरे में विजुअल पर देख सकते हैं, ये आपका अमिलिया टू हनमना इलाहाबाद बनारस रोड आपको ये पड़ जाएगा। यहाँ भी आप मेरे जूम में देख सकते हैं, कई लोग खड़े हुए हैं, कई दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं, पान के ठेले खुले हुए हैं, फल फ्रूट के अलावा भी पान के ठेले कुछ खुले हुए हैं। वहाँ पर लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि नहीं कोरोना जैसा कोई संक्रमण बीमारी है। यहाँ पे फल फूल की भी दुकानें लगी हुई हैं। अगर मैं पुलिस अमले की बात करूँ तो पुलिस अमला जो है यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात है। और सैनिटाइज़र मास्क वगैरह जो अगर मैं बात करूँ तो सैनिटाइज़र मास्क वगैरह जो है वो यहाँ पर दुकानें पर लगातार जो है सैनिटाइज़र मास्क वगैरह जो है यहाँ पर दुकानें पर बेची जा रही हैं, बाकायदा रोड पर लगा ली जा रही हैं, रोड पर लगा कर बेची जा रही हैं सैनिटाइज़र वगैरह। पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं तो मैं यहां पर एक तैनात बंदे बैठे हुए हैं जो बहरी में तैनात हैं, इनका नाम तो मैं नहीं जानूंगा। मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट आपको मैं दिखा सकता हूं साफ तौर पर अपने कैमरे पर। ये सिंगरौली वाला रूट है जहाँ पर बस स्टैंड के अंदर गाड़ी मुड़ती है, यहाँ से गाड़ी मुड़ती हैं, बस जाती हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं अभी भी कि मने नहीं कोरोना लग गया है, लॉकडाउन लगा है, हमें अपने घर पर रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। और कई दुकानें ऐसे, मैं आपको बता दूंगा कि दुकानें ऐसी हैं जो दुकान के शटर के अंदर अपने ग्राहकों को बुला लेते हैं, शटर गिरा देते हैं और अंदर व्यवसाय कर रहे हैं। हमारे कैमरे में ऐसा कैद भी हुआ है, लेकिन अब उनको समझाया नहीं जा सकता है कि कोरोना जो संक्रमित महामारी है वो किसी को पहचानती नहीं है, किसी को जानती नहीं है कि उसमें वैश्विक रूप किस प्रकार से होता है। एक पुलिसकर्मी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है। भाई साहब का शुभ नाम? जनरल SI जनरल श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, मार्केट में काफ़ी चहल पहल नज़र आ रही है, ऐसा क्या है? सर बंद है, बाकी आना आवागमन है, यहाँ से मेन रोड है, सीधी जाती है, रीवा जाती है, बसें आ जा रही हैं, उसी की सवारी उतरते हैं, वेट करते हैं, उसी से चले जाते हैं, बाकी दुकानें बंद। सर लोग मतलब अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि लॉकडाउन लगा है और मुझे मास्क लगाना चाहिए। कई वैसे मार्केट खुला दिखते हैं बगैर मास्क से घूमते रहते हैं, तो इसमें क्या आप लोग कार्रवाई करते हैं? सर प्रशासन तो लगी हुई है, आप लोग मीडिया भाई भी लगे हुए हैं, सदार हैं, बार बार सदा उनको समझाइश दी जा रही है कि अपने घर में रहिए, ज़रूरत पड़े तब भी बाहर निकलिए, क्योंकि कोरोना महामारी से सबको सचेत रहना चाहिए। हम अपनी सुरक्षा करें तभी दूसरे की सुरक्षा कर पाएंगे, बार बार समझा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानने को तैयार नहीं होते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो ये सख्त कदम कब उठाया जाएगा कि ये इनके पैर जो हैं वो घर के अंदर में ही रुक जाएं? अनावश्यक जो तफरी मारने वाले हैं, इनका कोई काम नहीं होता है और रोड पर दिखते हैं, तो इनके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? सर वरिष्ठ अधिकारियों को जैसा निर्देश मिलेगा वैसे कार्रवाई होगी। सर हम लोग पूछते हैं तो लेकिन बार बार कहते हैं, मेडिकल स्टोर जा रहे हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं लोग, तब प्रशासन मजबूर हो जाता है कि अब बहाने मेडिकल जाने के लिए छूट है, तो इसमें रोकते नहीं। अब जैसा निर्देश बार बार पर चिन्हित कर रहे हैं हम लोग, जो ऐसे होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए साफ तौर पे कहीं ना कहीं पे पुलिस प्रशासन का इसमें दोष मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब वो मिलते हैं तो उनके पास एक नया बहाना होता है, मेडिकल स्टोर में जा रहा हूँ, मेरे पिता की तबीयत खराब है, या फिर मेरे अनावश्यक की तबीयत खराब है, या जो भी तबीयत खराब है, अनावश्यक वो कहीं ना कहीं पर एक बहाना जरूर बना लेते हैं। अपने पैरों को बांधना पड़ेगा। जिस प्रकार से कोरोना का महामारी फैली हुई है दोस्तों, मैं आपको साथ में बताते चलूँ, अपने चैनल के माध्यम से जो ख़त्म हो गए उनकी शमशान में जगह नहीं मिल पा रही है जलाने के लिए, जो बीमार हैं उसे अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही है, इतनी भयावह स्थिति बन चुकी है कि आप उसमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है, कितनी गंभीर स्थिति है। आप TV चैनल अगर आप देख रहे हैं तो लगातार आपको ये अंदाज़ा मिल रहा होगा कि कितनी भयावह स्थिति है। अभी अरविंद केजरीवाल ने लगातार 6 दिन का लॉकडाउन लगाया है, टोटल लॉकडाउन अरविंद केजरीवाल ने लगाया है, साथ में उन्होंने मेडिकल फैसिलिटी के लिए बात की है। अभी मैं हाल की बात करूं, मैं आपके हमारे शहडोल में ही हादसा हुआ, ऑक्सीजन की कमी की वजह से है, जो लगभग 6 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़ा 10 के आसपास है, फिर मौत हो चुकी है। लेकिन लोग मानने को भी तैयार नहीं है, मानना पड़ेगा
क्योंकि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, पाबंदी बनानी पड़ेगी, पैरों में जंजीर बांधनी पड़ेगी। हाँ, अर्थव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था बहुत बिगड़ रही है, इसलिए मैं इसे इनकार नहीं करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं पर इसका भी सतर्क रहना पड़ेगा। जो दिस वायरस, कोरोना वायरस जो हमारे बीच में आया है, इसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं पर हमको अपनी बंदिशें बांधनी होंगी। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू, फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में, दुकान दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही, बचत भी बचत भी। हमारा पता है गनियारी रोड बैठन चंदेर पैलेस के पास, सिंगरौली मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9685965487, 7001370088। श्री कृष्णा ब्रदर्स एंड सेल सर्विस, वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लीटर, एयर कंडीशनर, टाटा वोल्टास, गीजर एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। पता है पुरानी मार्केट, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9179603939, 8109426288। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।